तो दोस्त हम लोग इमरजेंसी में बंद करना पड़ गया था कि हम लोगों को दोस्त करना पड़ गया था दोस्त ऐसा, क्योंकि हम लोगों के पास फोन कम चार्जिंग थी, इसी का हम लोग काम कर बंद करना पड़ा फोन। दोस्तों हमारे यहाँ पर तो एक जंगल ही बन गया, अभी बैम्बू तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्राफ्टिंग टेबल थे दोस्तों हम लोगों को चाहिए था, रुकियो याद करते हुए थोड़ा भूल गया था। हाँ दोस्तों याद आ गया, हो ही चाहिए हम लोगों को। वैसे दोस्तों वो तो हमारे पास रखा भी है, हमने यहीं कहीं किसी चेस्ट में रखा था, ये रहा। और दोस्तों ये जी हम लोगों के बीच टूट के सीट्स तो गायब हो गए, तो हम लोग कमान ना चाहते हुए भी देना ही होगा, और बाकी चीज़ों के लिए हम लोगों को यही देना होगा। तो अगर जाना होगा पेटीएम मोड में सीट्स के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत भी लेट पैसा ले तो गए हैं। हम लोगों को दोस्तों मेलन की सीट की ज़रूरत है, पम्पकिन तो हम लोगों के पास दोस्तों है, और सिंपल सीट भी दोस्तों हम लोगों को बीटूथ के सीट चाहिए, और चाहिए दोस्तों हम लोगों को पोटैटो सीट ये, और दोस्तों हम लोगों को कैरेट सीट भी चाहिए। और वापस अब सर्वाइवल मोड में आते हैं, अब अपनी नई खेती को अब तैयार करते हैं, बीट रूट की भी खेती। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोगों को एक कॉम्पेंटल की भी जरूरत है। मेरा मतलब दोस्तों कॉम्पेंटल, तो हम लोगों को इसके लिए बस 6 स्लैब्स चाहिए। हाँ ये दोस्तों ये रहा हमारा कंपोजर, तो अब हम लोग इसमें पूरा काम किया करेंगे। अब दोस्तों हम लोग और भी सीट उगा सकते हैं, हम लोगों को बड़ी सी खेती की जरूरत है दोस्तों। ये वाला दोस्तों तो इमरजेंसी के लिए समझ लीजिए खेत है, जो हम लोग को पता अगर खाने पीने का सामान ना हो तो यही हम लोगों के काम आएगा। हम इसके चारों तरफ ये हम लोग वीट सीड के अलावा दोस्तों इस जगह पर दोस्तों हम लोग वीट सीड उगाएंगे, इस तरफ हम लोग कोई दोस्तों अलग सीड्स लगाएंगे। दोस्तों इस तरफ हम लोग लगाएंगे बीट रूट के, लगा देते हैं। तो हमारे बीट रूट के भी दोस्तों सीड तो लग गए हैं, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये तोल के हम लोगों को और कुछ करना होगा। और जो आपको ये दिख रहा है हम लोगों के पास रिपेयर इंजन चेंट वाला है, वो हम लोगों को मिला था विदेश से, वही हमारी वाली से। देखते हैं हम लोगों के पास दोस्तों सॉवल तक नहीं है, तो दोस्तों अब हमारे पास आ गया, तो हम लोग कुछ फेंकना भी पड़ेगा। तभी हम लोग कॉबल स्टोन मिल पाएंगे, तो दोस्तों हम लोग बेकार का सामान फेंक देते हैं जिनकी हम लोग कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ये हैं। वैसे भी हम लोग दोस्तों अपने इन्वर्टर में शुद्ध शाकाहारी चीज़ें रखते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपनी खेती की तरफ। हम अपनी वाटर बकेट को भी ले लेते हैं।
हम लोगों को रात होने से पहले दोस्तों अपने खेत का थोड़ा बहुत काम तो करना ही होगा। तो हम वहां से पानी देके इसको धीरे धीरे करके करने वाले काम। तो हम लोग यहाँ से और लेते हैं। हम लोगों को ऐसे ही दोस्तों खेत बन जाएगा पूरा, और यहाँ पर हम लोग अलग तरीके की चीज उगाएंगे। जैसे दोस्तों हमने उस तरफ बीट रूट के उगाए, यहाँ पर हम लोग पोटैटो या कैरेट उगाएंगे। और बाकी दोस्तों हम लोग कॉम्पेंसेशन में डाल के बोन मील बना लेंगे बाकी सभी का। दो दोस्तों कॉम्पेंसेशन में डाल देंगे तो हम लोग को कोई मेडन सीड्स को हम लोग इस तरह साइड लगाना होता है इसके साइड में, क्योंकि मेडन साइड स्पॉन होता होगा। तो हम लोगों को दोस्तों मेलन की खेती करने के लिए ऐसे ही करना होगा। यहाँ पर हम लोग दोनों का दोस्तों हम लोग अभी तो यहाँ पर मिक्सचर कर लेते हैं, पोटैटो और इसका मिक्सचर कर लेते हैं। और अगले एरिया में भी दोस्तों हम लोग यही करने वाले हैं। तुरंत तुरंत हम लोग अपने स्टोन के शॉवल से ही काम करते हैं। तो हम लोग का दोस्तों लगता है काम हो गया है। उल्टा दोस्तों स्टोन के शॉवल की इतनी स्पीड दोस्तों होती है कि उल्टा से नीचे भी खोद डाला है। तो हम लोग लेके यहाँ पर पानी भी डाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ यहाँ पर ये पानी डाल हम लोगों की बहुत ज़्यादा दोस्तों खेती होगी। हम लोग यहीं यहीं से लेके डाल देते हैं। तो ये वाला दोस्तों भी हमारा काम हो गया। तो दोस्तों ये धक्का धक्का सा लग रहा है तो हम यहाँ पे ये कोबल स्टोन भी लगा देते हैं। तुरंत तुरंत हम लोग अपना ये वाला काम कर लेते हैं फार्म का। पेड़ों तक दोस्तों ये ना पहुंच जाए हम लोगों का, क्योंकि हम लोग दोस्तों ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है फार्म। तो तुरंत तुरंत हम लोगों को ये काम भी हो गया है दोस्तों। तो जैसे हम लोगों को के वैसे किए तो हम लोगों को हम लोगों ने दोस्तों गलत जगह पे पोटैटो के नहीं ये मेलन सीड दोस्तों डाल दिए हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ये जाएंगे तो हम लोग कंपोजल से एक बार हम लोग इसको बढ़ा के भी देखते सारे पानी में। तो हमारा ये मिल गया एक बोल मिल, इसको तुरंत बड़ा करके देखते हैं। बेमतलब में दोस्तों हम अगर ये बीट रूट के भी इतने सारे सीड्स की रखे हैं, इसको और बोन मिल डाल के इसको भी डाल देते हैं। अब देखते हैं वो होता ही है नहीं मेलन। तो हम तब तक यहाँ पर हम लोगों के पास तो दो कैरेट के भी ले लेते हैं। और यहाँ पर पोटैटो डाल के दोस्तों यहाँ पर भी गहरी माइन है।
हम पर वहाँ पर कभी जाएंगे भी नहीं, ना कभी गए हैं ना कभी जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये देख के बहुत गहरी लग रही है हमारी माइंड, जैसे जो हम लोगों को मिली है माइनिंग करते समय। हम लोग तो दोस्तों पम्पकिन सीड्स यूज़ नहीं करते वैसे तो इनको भी कंपोस्टर में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना फिर से बैलेंस चीज करने लगते हैं। फिर से दोस्तों तो हम लोगों के मेलन सीड्स भी हो गए हैं। एक बकेट दोस्तों पानी ले लेते हैं और अब हम लोगों को यहाँ से फिर से तोड़ना होगा। हम यहाँ पर और एक होई लगा देते, वैसे भी अब यहाँ का तो हो ही गया दोस्तों, हमने तो गलती से कर दिए, तो यहाँ पर ये डाल देते हैं और वहाँ से एक और बकेट पानी लेके हम लोगों को दोस्तों स्नैक वाटर बनाने के लिए 3 बकेट बस चाहिए। तो हमारा ये स्नैक वाटर सिंपल बन गया है। तो हम लोगों का ये बस हो ही गया दोस्तों काम। तो इस साइड के भी दोस्तों हम लोगों की खेती का पूरा काम हो गया। बस दोस्तों हमने गलत तरीके से मेलन सीड न डाले क्योंकि पीछे उगते नहीं है। तो हमारा दोस्तों मेलन अभी तक उगा नहीं है। हमने इसको यहाँ से ऐसे सही तरीके से किया नहीं था, उन्होंने दोस्तों हम लोग गहरी माइंड के अंदर ही गिरे थे अभी तो। अच्छा अभी हम नहीं खुशे हैं। तब हम लोगों को दोस्तों गाजरों के भी दाने होंगे क्योंकि तब अब दोस्तों फुल फार्म बन गए हैं। बस दोस्तों अब आखिरी लाइन करना बचा है, फिर हमारा ये काम भी हो जाएगा। तो हम लोगों का ये काम भी दोस्तों हो गया। तो दोस्तों हम लोगों को कंपोजर से एक और दोस्तों हम लोगों को बोन मील मिल गया है। दोस्तों ये पटेटोस लगता है बहुत जल्दी उग जाते हैं। चलिए तो आज हमारा खेत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो हम लोग यहाँ से ये जो हमने गलती से यहाँ पर जो पेड़ उगाए थे उनको हटाना होगा। वैसे भी इनसे जो सैपलिंग मिलेगी उससे दोस्त एक दिन में तो नया पेड़ उग जाता है। हम लोग पर उस टाइम कभी इस पेड़ को दिखा देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा ही है, इसी का ये हम लोग स्पेशल भी है। यहाँ पर एक ऐसे डाल के ऐसे कर देते हैं। तो
दोस्तों आज का तो हम लोगों को काम हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कब पता नहीं पम्पकिन हम लोगों को मतलब उससे मिलेंगे। वैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता है इस तरीके से मिलने वाले हैं, इसी का मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों को इनमें से एक खेत को अलग से पम्पकिन के लिए एक ही लाइन चाहिए बस। इसलिए हम लोग इस वाले एरिया को बिल्कुल ही हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। इन सभी को बस हम लोग पम्पकिन के लिए बना देते हैं कि बस यहाँ पर पम्पकिन उगे। इस वाले को तो दोस्तों चलिए छोड़ ही देते हैं और हम लोग यहाँ पर ये ऐसे ऐसे डाल के यहाँ पर और ये ऐसे डाल लेते हैं। तो हम लोगों का और काम होने लगेगा। तो हम लोगों को इससे पता नहीं अभी तक इस पेड़ से दोस्तों हम लोग सैपलिंग नहीं मिल रही है, उल्टा दोस्तों हम लोगों को हर पेड़ से एप्पल क्यों मिल रहा है। ऐसे तो दोस्तों हम लोगों ने जो जंगल बनाया वो गायब हो जाएगा अगर सैपलिंग नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों एक सैपलिंग तो कम से कम मिली जो पेड़ जितनी कर लेगी, एक और पेड़ उगा देगी। अगर और एक सैपलिंग मिल जाएगी तो और अच्छा रहेगा। चल इसको सारी पत्तियों को हटा के देख लेते हैं। तीन सैपलिंग दोस्तों मिल गई वह इसीलिए तो हम अपने एरिया में और पेड़ लगा सकते हैं। अब तो हम अपने घर के पास ही लगाएंगे। आजकल हम लोग दूर चलने जाने लगे हैं। वैसे दोस्तों अब हमारा पहाड़ बहुत हमारे पहाड़ का जितना एरिया हमारा है वो बहुत ज़्यादा साफ अच्छा हो गया है। अब दोस्तों हम लोग के पास इतना खाना है कि हम लोग अब अपनी गायों को अब भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत खाना हो गया है। अब तो दोस्तों हमें उल्टा कंपोजर में भी बनाना पड़ता है हम लोगों को। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एक दांत लगा के सैपलिंग लगाते हैं और जाके अपनी गायों को खाना भी खिला देते हैं। दोस्तों हम इनको कैरेट पोटैटो नहीं खिला सकते, सिर्फ बीट ही इन लोग खाती हैं। हमें सभी को खिला दी तो सब चलते हैं यहाँ से। हम लोग बाकी के बीज को कंपोजर में डाल के बना लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग बहुत खाना है। दोस्तों हम लोग को इस बार में दो नहीं, एक ही पता नहीं दोस्तों क्यों मिल रहा है। तो हम लोगों को तीन तो मिल गया, तो चलिए ले चार तो मिल गया। तो अब हम लोग चलते हैं और जाके अपनी गाय को तो हमने खाना खिला दी, इनको और खाना देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका एक और बच्चा भी अब आ गया है। दोस्तों तो बच्चे को दोस्तों अभी खाना खिलाने की देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये पहाड़ तो बहुत ज़्यादा अब हो चुका है। पापा आप देखो कि मैंने कितने पेड़ लगाए हैं और उग चुके हैं।
काफी सारे हैं मेरे, तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों के दोस्तों सारे पेड़ हैं, जो वहाँ के पेड़ है वो दोस्तों हमारे नहीं है, पर यहाँ के सारे पेड़ हमारे हैं। और हमारा दोस्त स्पेशल पेड़ को तो हम लोग कभी नहीं काटेंगे, देख कितना बड़ा है, देख रहे सबसे बड़ा पेड़ है, इसी कारण इसको नहीं काटा जाएगा। तो हम लोग इस पेड़ को तो नहीं काटेंगे, वैसे भी दोस्तों गेम में बस एक बार फिर दोस्तों का हम लोग पेड़ काटते हैं, एक बार सैपलिंग हम लोग डालते थे, एक दिन में बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, पर दोस्तों सबसे बड़ा है इस गेम में, यही तो अच्छा फायदा है। एक पेड़ को काटते तो सैपलिंग्स मिलती हैं, एक सैपलिंग से एक पेड़ उगता है। देखो टॉर्चेस भी लगाए इसके चारों तरफ। तो चलिए हम लोग अपने पेड़ को भी आपको अच्छे से दिखा देते हैं। और पता नहीं दोस्तों यहाँ पर जब से हम लोग पहाड़ में आए तब से ही है यहाँ पर हवा में पता नहीं कैसे ब्लॉक फूट रहे हैं, कभी आज तक हम लोग पता नहीं चला है, और हम लोग कभी दूसरे वाली जगह में गए नहीं हैं। और तो दोस्तों आज हम नीचे जाने वाले हैं अपने पहाड़ के, कभी हम लोग ज़्यादा गए भी नहीं हैं, और देखते हैं कि कहाँ है हमारे पास ये सैपलिंग बे मतलब में पड़ी हुई है, कि वहाँ के हम पेड़ों से और सैपलिंग्स ले आएंगे। तो अपनी एक्स को रख लेते हैं, नई एक्स बनाने के लिए हम लोगों के पास सामान नहीं है, ये सामान तो दोस्तों है मतलब हम लोग इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए और एक चाहिए रहती है। तो हम लोगों के पास कॉबल स्टोन भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो तो हम लोग माइन करके बहुत सारे मिले थे, तो चलिए ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं है दोस्तों अभी तो हम लोगों के पास, पर ले लेते हैं। और एक स्टोन के एक्स बना के वहाँ पर चलते हैं, और चलिए अब हम लोग चलते हैं उस एरिया पर, पता नहीं दोस्तों वहाँ नीचे वाले एरिया में क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों पागल की ये भी लगता है दोस्तों, ये हम लोग मार भी सकता है, उल्टा दोस्तों ये तो किसी और से लग रहा है यार, ये रेपल फ्रेंड ग्राउंडेड से लग रहा है। चलिए तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर कुछ मिला था। अच्छा दोस्तों हमें यहाँ पर पहली बार स्पॉन हुए थे, तो यहाँ के पेड़ों को ले लेते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर फ्लैट एरिया बना देते हैं, वैसे भी मेरे घर के पास बहुत रुको तो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों